22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। जय जय श्री राम। अवधपुरी सोहई यही भांति प्रभु मिलन आई जनु राती। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है मानो प्रभु से मिलने आई हो। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में आगमन होकर के नए भारत के एक नए अयोध्या का वह स्वयं लोकार्पण करने के लिए आए हैं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आप सब की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से और देश और दुनिया भर के राम भक्तों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्रालय के मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जनरल वीके सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, यहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि गण और उपस्थित भाइयों और बहनों, अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खाने। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा जिस भव्यता के साथ प्रधानमंत्री जी का स्वागत अयोध्या वासियों ने किया है, ये एक नए भारत की नई अयोध्या का दर्शन हम सबको कराता है। अयोध्या बेहतरीन 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से, रोड मार्ग से जुड़ा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भी होने जा रहा है। रेल की बेहतरीन सुविधा अयोध्या से, नए रेलवे स्टेशन के साथ साथ वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 2 नई ट्रेन अमृत भारत के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या को सीतामणि से, प्रभु राम की जन्मभूमि से, माता सीता के प्रकटीकरण के स्थल पर जोड़ने के लिए इस रेल की कार्यक्रम को भी आज शुभारंभ किया है। और साथ साथ भगवान राम तो त्रेता में पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे, आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उपहार भी अयोध्या वासियों को दे दिया है। इसका उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश के विकास और अयोध्या के विकास से जुड़े हुए हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये वही अयोध्या है जहां का नाम लेने में लोग संकोच करते थे, आने की बात तो दूर, एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। अयोध्या आने वाले
सबसे अधिक समय तक आने वाले और सबसे अधिक बार आने वाले प्रधानमंत्री में भी मोदी जी का नाम आ गया है। हर एक उस अवसर पर जो उत्तर प्रदेश को अयोध्या जैसे विरासत से जुड़ी हुई नगरियों को एक नई पहचान दिला सके, वह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है भाइयों बहनों। और इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री जी 22 जनवरी के पहले विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई, अयोध्या को बेहतरीन सुविधाओं से युक्त, इन सभी सुविधाओं से संपन्न कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में हम सबका यह दायित्व तो बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, प्रभु राम से इस लोक का मिलन कराने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम प्रधानमंत्री जी ने किया है, इसके लिए हम सब आभारी हैं। क्योंकि रामायण को लौकिक रूप से हम सब तक पहुंचाने वाले पहले ऋषि महर्षि वाल्मीकि हैं, उनके नाम से इस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भारत के अंदर, भारत की परंपरा पर, भारत की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को गौरव की अनुभूति कराने वाला यह क्षण होगा। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंचासीन अपने सभी आगत अतिथियों का और आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आगामी समय के लिए हम सब अपने दायित्वों का निर्वहन करने की तैयारी कर पाएंगे। अयोध्या में 22 जनवरी के बाद अयोध्या को अतिथि देवो भव का एक नया अनुभव देश और दुनिया को कराना है, और इसके लिए हम सब पूरी तैयारी के साथ 22 जनवरी के कार्यक्रम में अतिथियों के स्वागत के लिए उसी तत्परता से, इसी जोश खरोश के साथ हम कार्य कर पाएंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, सभी राम भक्तों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।